Hello friends, welcome to My Career Doctor. My name is Prakash Singh Azad, an English language trainer cum career counselor. Well, in this video today, I would like to give you an answer of a very very common question जो कि मुझे लगातार Facebook, WhatsApp, Twitter या फिर YouTube comment के जरिए पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें आती हैं वो आती हैं beginners को या फिर जो बेचारे मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उसका आउटकम उसे नहीं निकल पाता है। अच्छा, ये सवाल ऐसा है कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आई वर्क रियली वेरी हार्ड फॉर सिक्स मंथ्स बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट टू डू, शुड आई गिव अप और कमिट सुसाइड। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए, ये सवाल का जवाब कुछ ऐसे ही होगा जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी कमाई या तो बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आप सीख नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये स्टूडेंट्स के साथ होता है। और ये जो चीजें होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस एंड प्रॉपर डायरेक्शंस। अब सवाल ये है कि ये हमें कैसे मिलेगा। देखिए, ये बात सच है कि हर चीज के लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए लेकिन आज के समय में चूंकि यूट्यूब है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है चीजें, कम्युनिकेशन, आईटी, तो हम चीजों को समझ सकते हैं घर बैठे भी। अब साइकोलॉजिकली समझिए कि हमें करना क्या है और इसी पर आप वर्क कीजिए, फोकस कीजिए। आप यदि सोचेंगे कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं और आप बोलने लगेंगे जो कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो आई एम सॉरी, दैट डजंट हैपन एवर। व्हाट हैपेंस इज द ट्रिक व्हिच आई एम शेयरिंग विथ यू राइट नाउ, मैं वो ट्रिक्स और जो स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सीखने का दो मेथड होता है जो मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट इज एक्टिव रिकॉल एंड सेकेंड इज पैसिव रिकॉल। एक्टिव का मतलब जहां आप फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व होते हैं, पैसिव का मतलब होता है आप चीजों को सिर्फ देख लेते हैं या सुन लेते हैं। जैसे कि इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियोस तो आप पूरे दिन देखते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपके माइंड से, दिमाग से वो स्लिप हो जाएगा, राइट, भूल जाएंगे, रात गई बात गई। बट एक्टिव रिकॉल मीन्स व्हाट एवर यू लर्न फर्स्ट लर्न, व्हाट एवर यू स्टडी फर्स्ट लर्न और मग अप मेमोराइज, राइट, देन प्रैक्टिस इट बाई स्पीकिंग। आप लिखेंगे तो हाथ को पता चलेगा, बोलेंगे तो जबान को पता चलेगा और जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक्टिविटी के साथ तो आपके दिमाग में वो छप जाएंगे चीजें। बात आ रही है समझ में आपको? तो ये पहली चीज करनी। दूसरी चीज क्या करनी है? द फोर थिंग्स विच आर रियली वेरी वेरी सिंपल जो कि आपको करने हैं, उनमें सबसे पहला एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, सेकेंड एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, थर्ड आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड फोर्थ डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग। हो सकता है, और सबसे ज्यादा स्टेट बोर्ड के बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो जिंदगी भर ट्रांसलेशंस, ग्रामर के पीछे लगे रहते हैं या फिर वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स याद कर लेते हैं, ग्रामर, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का जो सिलेबस है ना वो बहुत शॉर्ट है और लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट। The more you practice, better you learn. हम इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और यही चीज करने लगते हैं जो मैंने आपसे बोला, गलतियां जो हम करते हैं ये हमारे साथ होती है। अब right direction में कैसे करें? जैसे कि आपको सबसे पहले मैं हमेशा सलाह देता हूं कि NCERT की जो इंग्लिश की बुक्स है पहली से पांचवी क्लास तक, जिसमें आपका ग्रामर एंड स्टोरी दोनों आता है, या हो सकता है पहली दूसरी क्लास की नहीं आती हो, या फिर पहली से पांचवी क्लास तक आप ये दो दो बुक हर क्लास की ले लीजिए। ग्रामर को भी पढ़िए, किसी की आप सपोर्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए बोलकर भी, और उसकी स्टोरी, छोटे छोटे स्टोरी होते हैं, समझना आसान हो जाएगा। आप एक बुक रखिए, आपको ग्रामर आए तब भी, नहीं आए तब भी आप इन बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज सेम एटीट्यूड CBSE वाले अप्लाई करते हैं, राइट, और आप इसको सीखिए, बोलिए, सीखिए स्टोरी को, किसी को सुनाइए, सेल्फी मोड पर बोलिए। ये तो एक आपका हो गया रीडिंग। अब लिसनिंग में हमें क्या करना चाहिए? लेकिन यू मस्ट वॉच गुड यूट्यूब चैनल्स गेटिंग दिस, जैसे कि आप डिस्कवरी देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, यू नो ब्रिटिश, BBC इंग्लिश लर्निंग आप देख सकते हैं, इंग्लिश विद सबटाइटल्स, लर्न इंग्लिश विद मूवीज, ये सब आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग एनहांस होगी। बट व्हाटएवर यू लिसन ट्राई टू स्पीक दैट, दो हो गया, रीडिंग एंड लिसनिंग,
स्पीकिंग के लिए आप क्या कीजिए, लाइक आई हैव सेड यू कि एक बड़ी टॉक नाम से ऐप है ओपन टॉक, उसे आप इंस्टॉल कीजिए, लेकिन ध्यान रहे जिस नंबर से आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह कनेक्टेड हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो उससे आप मत कीजिए। कोई ऐसे नंबर से जो बिल्कुल लाइक नॉर्मल आपसे, आपने उस नंबर से किसी इंपॉर्टेंट चीज को नहीं किया इंस्टॉल या फिर कनेक्ट, आप कर लीजिए वहां भी बात कीजिए थोड़ी बहुत। एक पार्टनर आपके पास होनी चाहिए। एंड राइटिंग में ग्रामर मिलेगी, डोंट हैव टू लर्न। अगर आपने सीख लिया बाद में तो इट्स गुड, अच्छी बात है। नहीं तो आप नाउन थोड़ा सा प्रोनाउन वर्ड में पूरा टेंस मॉडल्स आ गया, इज एम आर वाज वर्ड टू हैव टू डू एक्शन मॉडल्स एंड ऑल सीखिए, आप वर्ड्स को सीखिए। तो ये थोड़ी थोड़ी आप चीजें सीखिए और बोलने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। व्हाट आर मेंटालिटीज, हम सबसे पहले ग्रामर सीखते हैं, नहीं पहले आप सुनिए पढ़िए, बच्चे भी यही करते हैं जब इस धरती पे आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, फिर आप बोलिए और साथ में ग्रामर भी सीखिए। तो ये अप्रोच अगर आपका है तो आई एम श्योर यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हमारे इसी चैनल माई करियर डॉक्टर पे हमारा दूसरा भी चैनल है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, वहां भी हम आपके लिए वंडरफुल कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इस चैनल के प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से, वहां आप पर डे एक वीडियो को सीखिए और एक्टिव रिकॉल अप्लाई करके अप्लाई कीजिए, उसको होमवर्क भी बनाइए, आपको वहां बता दिया जाएगा। राइट, हमारा टेलीग्राम चैनल है माई करियर डॉक्टर के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी हम आपको वंडरफुल कंटेंट देते हैं। डाउट सेक्शन है, वहां भी आप उसे ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है माई करियर डॉक्टर, वहां भी आपको मदद मिल जाएगी। तो आपसे मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि आप उसे या तो उसे फॉलो कीजिए या फिर 3 दिन आपको हफ्ते में मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, उसका नाम फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। तो बेस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए राइट डायरेक्शन में, सुनिए भी जो कुछ भी आप, जैसे कि आपने किसी गाने को याद कर लिया उसे बार बार रिपीट कीजिए, याद करने के बाद बोलिए कैमरे के सामने में, दोस्तों को सुनवाइए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी हेजिटेशन घटेगी एंड स्लोली स्लोली यू वुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, ऑलवेज आई हैव बीन एडवोकेटिंग यू कैन नॉट डू थिंग्स इन वन डे बट वन डे यू मस्ट डू इट। एक दिन में तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक दिन करेंगे जरूर। तो ओनली द थिंग इज कि आपको अपने पर विश्वास रखना है, जो चीजें मैंने आपको बोली। एक और बुक है बेसिक चंपक, बच्चे क्या करते हैं अंग्रेजी जब सीखने की बात आती है तो डायरेक्ट वो द हिंदू न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। अब ठीक वैसे ही हुई जैसे मुझे कुछ चलाना नहीं आता बाइक कार, और मैंने जैसे ही सीखने की बात करी आपने मेरे सामने BMW रख दिया। अब तो मैं यही सोचकर परेशान हो जाऊंगा कि ये कार इतनी महंगी है मुझसे चलेगी कैसे। आप मुझे कोई छोटी मोटी कार दीजिए, राइट, मारुति 800 दीजिए, नैनो दीजिए, अच्छा है ठीक है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे गाइड के साथ, एक अच्छे यू नो मेंटोर के साथ, तो ट्रेनर के साथ, तो दैट वुड बी फार बेटर। हम यही गलतियां करते हैं इसीलिए नहीं सीख पाते हैं। और ये सवाल हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं ट्विटर लाइक व्हाट्सएप फेसबुक, बहुत मुश्किल हो जाता है वन बाय वन आप सभी को जवाब देना, इसीलिए आज मैं कलेक्टिवली सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और एक मेरी तरफ से बोनस ट्रिप और प्रो ट्रिप इन द लास्ट, अगर आप ये सोचेंगे कि आपके बदले का काम मैं करूं चूंकि मैं टीचर हूं, आप आराम से ऐस मौज करें, मैं आपको कोई ऐसी गुरु मंत्र दे दूं जो कि आप बहुत ही जल्द अंग्रेजी सीख जाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ है नहीं, और खासतौर से मैं करता ही नहीं ये चीज। आई पर्सनली बिलीव दैट इफ यू वर्क हार्ड यू कैन स्पीक। और अगर हाँ कहीं से आपने ये हवा सुन लिया है कि 45 दिन का कोर्स होता है 90 डेज का, तो ये उनके लिए जिन्हें पहले से आती है, I'm sorry you can't. So if you want to learn English, you have to work in these directions or like on these particular things. These will definitely help you to speak in English better. And believe me, ये बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। Personally, मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को अंग्रेजी सिखाई है 5 साल के अंदर। और मैंने देखा है हमारे पास बहुत कमजोर बच्चे आते हैं लेकिन अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं। 100% तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो परफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इवन आई एम नॉट परफेक्ट गाय, तो हाउ कैन दे बिकम परफेक्ट, जब मैं खुद नहीं तो वो कैसे हो सकते हैं। बट यस, दे स्पीक बेटर इंग्लिश, और ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह ट्रीट कीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जस्ट चिल पिल। एंड आई एम 100% श्योर दैट इफ यू वर्क इन राइट डायरेक्शन यू मस्ट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश properly, fluently, better, confidently, right? Thank you very much for watching My Career Doctor and I hope कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। You work in these directions, so stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.